नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं बहुत ही खास लोगों के साथ जो है बनाने जा रहा हूँ। पिछले एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था L1 कोचिंग का, उसमें मैंने ब्रिजेश सर का इंटरव्यू लिया था और L1 कोचिंग के बारे में मैंने पूरे चीज़ें आपको बताई थी कि वहाँ कैसे तैयारी की जाती है और क्या की जाती है। तो आप लोगों को बहुत सारे कुछ बच्चों को डाउट भी हुआ था उस चीज़ को लेकर, क्या सच में वहाँ अच्छी तैयारी होती है नहीं होती है। तो यही डाउट को जो है आपका ख़त्म करने के लिए जो है मैं आज दोबारा से L1 कोचिंग में आ चुका हूँ, क्योंकि L1 कोचिंग में दोबारा इसलिए आया हूँ क्योंकि जो है अभी IIT मेन्स का जो है रिजल्ट आया है। अब मेन्स का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे L1 कोचिंग के बच्चे जो है टॉप किए हुए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो टॉप किए हुए हैं। तो आइए इनसे बात करने वाले हैं और इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं कि भाई आपने कैसे पढ़ाई की थी, क्या नाम है, कहां से हैं, वो सारा चीजें पूछते हैं और जो भी आपके डाउट था ना वो मैं आज इनका दूर कर देने वाला हूं। तो क्या नाम होगा आपका? जी, अक्षत सिंह। अक्षत जी, आपका IIT मेंस में कितना परसेंटाइल आया? सर, मेरा 99.53 परसेंटाइल आया है। 99.53, तो मतलब कितने में से आता है ये? जी, 100 परसेंटाइल में से, मतलब टॉप कितने परसेंट स्टूडेंट्स में आप हैं उसको एक जज करने का तरीका है। मतलब 100 परसेंट में से जो आप 99.5 पहुंचे हैं? जी हाँ सर। इतना में तो हम लोग 3-4 लोग पास होते थे भाई साहब। तो ये बताइए, आप कहाँ से, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई और ये तैयारी आपने कहाँ से किया? सर, स्कूलिंग मेरी JNV प्रयागराज से हुई है और IIT की तैयारी मैंने L1 कोचिंग से ही की थी, स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम माय वेरी स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11th। और हमारे सारे टीचर्स, ब्रिजेश सर, नागेंद्र सर, इन्हीं के अंडर में मैंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है सर। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? आलोक यादव। कहाँ से हैं अनुप जी आप? JNV प्रयागराज। JNV प्रयागराज। तो आपका कितना परसेंटाइल आया है? 99.24। और आपकी तैयारी कहाँ से हुई? खुद सेल्फ स्टडी किए थे या फिर कोचिंग का सहारा लिए थे? हम L1 कोचिंग में पढ़ रहे थे 11th क्लास के स्टार्टिंग से ही। यही से पूरी आपकी तैयारी हुई है? यस सर। दोनों लोग को देखिए 99% वाले हैं। आप कहाँ से हैं और क्या कैसे तैयारी किया आपने? मैं JNV राजगीर से हूँ और मैंने भी यहीं L1 कोचिंग में रह के तैयारी की और यहाँ के टीचर्स काफ़ी सहयोग किए और प्रिपरेशन में हमेशा साथ दिए, सारे डाउट्स क्लियर किए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। मैथ में कितना परसेंटाइल आया आपका? मेरा मैथ में 99.7 परसेंटाइल आया। कोई ऐसा है क्या जो 90 वाला है? क्योंकि यहाँ जितने मुझे अभी तक दिख रहे हैं सब 99.9 99.5 वाले परसेंटाइल वाले ही हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम ओम साहू है जी। मैंने JNV सिवनी से प्रिपरेशन की और फिर मैं JEE मेंस के लिए यहाँ L1 में आ गया। L1 में प्रिपरेशन करके मेरे 99.6 परसेंटाइल स्कोर किया, जो मतलब बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स का बहुत हेल्पफुल रहा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ जितने लगभग बच्चे बैठे हुए हैं सारे 99 परसेंटाइल के ऊपर वाले ही हैं। तो अच्छा, ये बताइए आप लोग कैसे तैयारी करते थे? सेल्फ स्टडी करते थे, खुद पढ़ते थे या फिर कितना घंटा पढ़ते थे? थोड़ा पढ़ाई को लेकर भी मैं जो है आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब टीचर पहले कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस मिलते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। फिर अगर कोई डाउट आता है तो उनसे टीचर से डिस्कस करने के बाद हम उनमें और अच्छे से पकड़ बना पाते हैं, जिससे वो क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं। एग्जाम टाइम के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जिनको एनालाइज करके हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए। पढ़ाई को लेकर अगर जैसा कि मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ कोचिंग्स तो बहुत सारी चलती हैं जैसा बनारस में, आपको क्यों लगता है कि L1 ही बेस्ट है बाकी कोचिंग के मुकाबले? L1 बाकी कोचिंग के मुकाबले इसलिए बेस्ट है क्योंकि L1 में आपको टीचर का उतना अटेंशन मिलता है जितना किसी और कोचिंग में नहीं मिलेगा। टीचर के साथ जितना सपोर्ट मिलेगा आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे, जो L1 में सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो आपका कितना परसेंटाइल आया? 99.2 परसेंट। 99.2 परसेंटाइल। और कितना घंटा पढ़ते थे आप, कैसे तैयारी करते थे? ऐसे तो मतलब यहाँ पे L1 कोचिंग में आने के बाद तो यहाँ तो सुबह से ही क्लास चलती है पूरे नॉन स्टॉप, सारे टीचर्स रहते हैं, फिर रात को जाके वहाँ सेल्फ स्टडी, जो पूरा क्लास पढ़ाया गया वो करते हैं। यहाँ पर आप लोग को नोट्स वगैरह दिया जाता है जैसे क्रैश कोर्स वगैरह को लेके या फिर जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो वो सब सारा चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती है L1 में? यस सर, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और पूरा टाइम इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में सब कुछ टेस्ट होता है, हर दिन एक एक घंटे का सब स्टेज देते हैं, ऐसे ही चलता है। अलग से आप लोग कहीं और कोचिंग का भी मटेरियल यूज करते थे कि खाली L1 कोचिंग आप लोग के लिए IIT का अगर तैयारी करना है तो पर्याप्त है? इनफ है, L1 के जो मटेरियल होता है वो इनफ है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता था टेस्ट का वो बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि टीचरों के साथ डिस्कशन करना उसका, फिर वो समझना, उससे बहुत मजबूती मिली थी कॉन्सेप्ट को हमारे। मैं चाहता हूँ कि आप L1 कोचिंग की बुराई करें, क्या आप करेंगे? नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मतलब कोई भी कोचिंग है वो बेस्ट ही है मतलब अपने में।
आपको एलवन कोचिंग में कुछ खराबी नहीं लगता? नहीं, कोई सब अच्छा नहीं। तो भाई साहब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जितने सारे बच्चों से मैंने अभी बात किया, सारे के सारे 99% से ऊपर वाले ने टॉपर वाले लिस्ट में ही हैं। तो इनका तो जो क्रेडिट पूरा एलवन कोचिंग के चला गया। तो भाई साहब जो इतने टॉपर वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मैं सर से भी बात करना चाहता हूँ कि सर कैसे मतलब 99 पूरा, मुझे IIT का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, पर आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोग को अच्छा नॉलेज होगा। तो देखिए हमारे साथ सर भी बैठे हुए हैं, आइए सर से बात करते हैं और थोड़ा बहुत सर से पूछना चाहते हैं कि सर ये सक्सेस जो बच्चे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, उनका क्रेडिट किसको आप देना चाहेंगे? पहले तो क्रेडिट इनका इनके ऊपर जाता है कि ये लोग हार्डवर्क किए, लगातार कंटिन्यूसली काम करते रहे अपने स्टडी पे, फोकस्ड रहे। और दूसरा हमें लगता है कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मेरा था, हम सारे ग्रुप का था, कि हम लोग बताते रहे टाइम टू टाइम, इनको DPPs और स्टडी मटेरियल देते रहे, उस पर काम किए, मतलब रिलीजियसली एक तरह से उस पर पूरा कंप्लीट सरेंडर था इन लोगों का, कि जो हम लोग कहेंगे वही ये लोग करेंगे और किए भी, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और हमको लगता है कि यदि कोई फोकस होकर और डेडिकेशन के साथ पैशनेटली अपने ऊपर काम करे, जो ट्रैक उस पर चलता रहे, तो उसको सफलता ऐसी ही मिलती है जैसे इन बच्चों को 99 point something मिला है, सारे बच्चों को। तो सर लगभग कितने बच्चों ने यहाँ से जो है 99% से जो है ऊपर पाए? हमको लगता है कि 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जो 99% से ऊपर पाए होंगे, और 70-80% बच्चे ऐसे होंगे, 80% हमको लगता है जिनको एडवांस का मौका मिल रहा होगा, और 90% से ऊपर 50% ज़्यादा बच्चे होंगे 90% से ऊपर। सर मेंस तो इन बच्चों ने क्लियर कर लिया है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंस लगभग क्लियर कर ही लेते हैं सेल्फ स्टडी के भी थ्रू, लेकिन एडवांस थोड़ा टफ पड़ता है। तो अगर वो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं और एलवन कोचिंग से अगर वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे जुड़ सकते हैं और क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? जो भी बच्चे JEE Main क्वालिफाई कर लिए हैं एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, तो वो लोग फ्री में आके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं एलवन कोचिंग में। सबको सभी फ्री में सब कुछ फ्री मिलेगा उनको, क्लासरूम तक, और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, जो हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं अपने क्लासरूम का जो लेक्चर है, जो डिस्कशन है JEE एडवांस के पेपर का, तो सब कुछ उनको फ्री मिलेगा। और रही बात दोनों में बारीकियाँ, जो डिफरेंसेज हैं JEE Main और एडवांस का, JEE Main में आप फार्मूला याद करके छोटे मोटे क्वेश्चन अपना बना के, और कुछ हार्ड भी आते हैं लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन एडवांस के लिए उसमें मल्टीपल चॉइसेस आते हैं, मैट्रिक्स मैचिंग आता है, पैसेज टाइप के आते हैं, मोर देन वन करेक्ट भी आता है, तो ये सब इतना ज़्यादा डेप्थ होता है उसमें कि आप सतही तौर पर अपना जो नॉलेज रखेंगे उससे काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो है सर को सुने, और सर भी जो है IIT BHU से टॉपर रहे हैं, और यहाँ पर जो है एलवन कोचिंग खोले हुए हैं, और यहाँ जो है जितने भी बच्चे हैं उनको गाइड करते हैं ताकि वो IIT और NEET की जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये जब आप लोग IIT का एग्जाम देते होंगे तो इसमें मैथ वगैरह भी पूछा जाता होगा ना? तो मैं तो मैथ में फेल हो जाता था, तो आप लोग कैसे मैथ की तैयारी करते हैं, वो डर कैसे निकालते हैं आप लोग? मैथ्स में डर तो सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबसे पहले कि अंडरस्टैंड करना है कि हाँ मैथ है, अब आप इसको टैकल कैसे करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग में तो जाजू सर थे, तो वो तो काफ़ी सिंपल बना दिए मैथ को, हालांकि मतलब मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा वो सिंपल होता जाता है, मतलब दिखने लगता है कि क्या होगा। और रही बात कि मतलब कि मैथ कैसे उसको मतलब डर ख़त्म करना है, तो वो तो नहीं होने वाला, बाकी प्रैक्टिस इज मस्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा सा उधर सटा रखिए। अच्छा ये बताइए कि घर से कैसे सपोर्ट, घर वाले चाहते थे कि आप IIT करें, कि घर वाले को प्रेशर में कर रहे हैं, कि आपकी इच्छा है करने की? नहीं, घर वाले तो हमेशा मेरे ही फेवर में रहे हैं कि मैंने जो चाहा है आप वो करें। तो मेरा पहले से था कि 10th क्लास से के IIT जाना है, तो 11th से ही मैंने L1 के कोचिंग के संपर्क में आ गया था, फिर उसके बाद से मेहनत की तो अभी आके थोड़ा। केवल कोचिंग के भरोसे ही हैं कि घर पर भी सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, इधर जो जितना हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर जाके वहाँ पे सेल्फ स्टडी एनालिसिस करते हैं एग्ज़ाम्स का, और जो डिस्कशन होता है उसका एनालिसिस करते हैं हाउस पे जाके, बस वही सब करते हैं। हाँ, जो आने वाले जो बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर जो क्वालिफाई कर लिए उनके लिए भी, और जो नहीं कर पाए उनके लिए भी कुछ? जो नहीं कर पाए उनके लिए तो ये है कि अगली बार ट्राई करें, और जो कर पाए हैं मेरे उनके लिए बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न और जो डिस्कशन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और बाकी सब इधर आके तो फैकल्टी से इतनी अच्छी मिली कि मज़ा ही आ गया पढ़ने में। आपकी क्या तैयारी है, अब तो एडवांस भी आने वाला है, तो एडवांस को लेकर क्या तैयारी, क्या सोचें कैसे करेंगे?
एडवांस निकालने के लिए मतलब ये ज़रूरी है कि जितना करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन कितना छोड़ना है वो भी ज़रूरी है। कि मतलब अपन को पूरा अटैम्प्ट करना नहीं है एडवांस निकालने के लिए, मतलब जितना अटैम्प्ट करेंगे वो मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब अपन को बस 50-60% पेपर सॉल्व करना है, अपना एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा। तो मतलब एडवांस निकालने के लिए ये है कि अपन को क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए कि क्या करना है, कौन सा अटैम्प्ट। फुल कॉन्फिडेंस में है कि एडवांस निकाल जाएंगे? हाँ निकल जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम फुल कॉन्फिडेंस में हैं, मेंस क्लियर कर चुके हैं और एडवांस की भी तैयारी इनकी लगभग बहुत ही अच्छी है। दोस्तों एग्जाम से पहले जो है बच्चों के मन में बहुत सारे डर बैठे रहते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिकॉशंस लेके रखना है। तो ये सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं और इनसे जो है राय लेने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने एग्जाम से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लिया है? आप लोगों के मन में भी तो डर रहता होगा। सर सबसे बड़ा प्रिकॉशन मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले कुछ महीनों पहले से ही आपको फालतू के मटेरियल्स पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने टीचर्स के नोट्स और टीचर्स ही जो क्वेश्चंस देते हैं क्लास में उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और PYQs वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। मेरे ख्याल सर एग्ज़ाम के कुछ महीनों पहले से टीचर का गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर हमारे केस में तो हमारे टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि हमें कहीं और भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैं थैंक करना चाहूँगा सर हमारे सभी टीचर्स को कि उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की। आप क्या कहना चाहेंगे अगर बच्चों के एग्ज़ाम से पहले मन में आपका डर है वो कैसे निकाल सकते हैं? एग्ज़ाम को लेकर पहले तो ज़्यादा टेंस नहीं होना होता है और आपने जो पूरी साल आप 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, उसको डिलीवर करने के लिए सिर्फ आपके पास 3 घंटे ही होते हैं। तो अपना माइंड सेट टेम्परामेंट जो होता है माइंड का बहुत ज़रूरी होता है। और सर हमारे सर हमेशा बात करते हैं इसके ऊपर, केवल पढ़ाई तो है ही एलेवन में, उसके अलावा गाइडेंस बहुत अच्छा है, मेन बात तो ये है। आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ एग्ज़ाम के पहले क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप हम को पहले से पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है या हम कैसे प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलता है, क्योंकि कई लोगों का होता है कि पेपर ही छूट जाता है। तो मॉक टेस्ट देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मॉक टेस्ट देने के बाद उनको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि हमें कुछ आता था फिर भी हमने गलत किया तो क्यों गलत किया, या फिर कुछ ऐसा है जो हमसे पहले ही छूट गया हमने पढ़ा नहीं, या हो सकता है कि हम कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो जिससे हमारे नंबर कम हो रहे हों। और अगर कुछ ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हम मॉक टेस्ट देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट और अच्छे दें। और हो सकता है कुछ मॉक टेस्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन आपको करने, तो ये भी पता चलना चाहिए आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा पहले करना है। तो मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए एग्जाम के पहले। फिलहाल यही सारे बच्चे थे जिनका मैंने इंटरव्यू ले रहा था और ये सारे बच्चे जो है टॉपर्स हैं। और ये केवल आपको 8-10 बच्चों मैंने केवल इस ले लिया क्योंकि केवल 8-10 बच्चों का जो है मैं इंटरव्यू लगभग ले पाऊंगा, वरना क्वालिफिकेशन का देखिएगा तो भाई लाइन लग जाएगा, मैं इनका इंटरव्यू लेते ही रह जाऊंगा। ठीक है तो चलिए बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था, बाकी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो भी बच्चे मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो IIT एडवांस की जो तैयारी करना चाहते हैं वो IIT जैसा कि सर ने बता ही दिया कि आप एलेवन कोचिंग आ सकते हैं और आपको यहाँ पर सारी सुविधाएँ दी जाएगी और आप यहाँ आकर बात कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर हर महादेव।